प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है, हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर हमें गर्व है। आज हमारा देश हर माने में 10 साल पहले के भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत है। देश की सफलताओं का श्रेय मैं आप सबको देता हूं, लेकिन अभी भी हमारे देश में विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं, जिनका फ़ायदा उठाने के लिए हमें एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपके प्यार और मोहब्बत की याद हमेशा मेरे जहन में ताज़ा रहेगी। मुझे जो कुछ भी मिला है, इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मित्रों, मुझे भारत के भविष्य के बारे में पूरा इत्मीनान है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो समय आ गया है जब भारत दुनिया की बदलती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेगा। परंपरा को आधुनिकता के साथ और विविधता को एकता के साथ मिलाते हुए हमारा देश दुनिया को आगे का रास्ता दिखा सकता है। अपने महान देश की सेवा करने का मौका मिलना मेरा सौभाग्य रहा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं मांग सकता था। मेरी शुभकामना है कि आने वाली सरकार अपने कामकाज में हर तरह से सफल रहे। मैं अपने देश के लिए और भी बड़ी सफलताओं की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।